टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निकोल प्रिज्म। सो निकोल प्रिज्म इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड फ्रॉम कैलेसाइट क्रिस्टल प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हमारे पास जो है ये ऑप्टिकल डिवाइस है निकोल प्रिज्म। किससे बना है? ये हमारे पास कैलेसाइट क्रिस्टल से बना है ना। तो ये एनालाइजिंग करता है। नाउ ये हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास सी डी, ये हमारे पास क्या है? निकोल प्रिज्म है, जिसमें एंगल हमारे पास कितना है? ये हमारे पास 71 डिग्री है। और ये हमारे पास जो एंगल है, ये एंगल है हमारे पास इसका 109 डिग्री, 71 एंड 109 डिग्री। तो इसे हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड इस प्रकार करना है कि हमारे पास जो है ये प्रिज्म जो है निकोल प्रिज्म, ये बन जाए 68 डिग्री एंड ये बन जाए हमारे पास 112 डिग्री, 112 डिग्री का 68 एंड 112 डिग्री का हमारे पास ये बन जाए। तो इस तरह से हमें ग्राइंड करना है। तो हमारे पास ए बी सी डी इज ए कैलेसाइट क्रिस्टल अबाउट 3 टाइम्स लॉन्ग। ये हमारे पास इस विड्थ से 3 टाइम्स लंबा लॉन्ग होता है एज इट इज वाइड। एंगल्स इन द प्रिंसिपल सेक्शन हमारे पास कौन से हो गए? ये हो गए 68 डिग्री एंड 112 डिग्री इंस्टेड ऑफ 71 एंड 109। तो इस तरह से हमें इसको ग्राइंड करना है। तो क्रिस्टल इज कट अलॉन्ग द प्लेन ए डी, इसके अलॉन्ग ये जो ए डी प्लेन है इसके अलॉन्ग हमें इसको कट कर देते हैं, यानी कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करके इसको ग्राइंड एंड पॉलिश करते हैं और इसके बीच में हम सीमेंटेड कर देते हैं एक केमिकल जिसको हम कहते हैं कनाडा बालसम। कनाडा बालसम इसमें हम लगा देते हैं, विच इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.55 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है फॉर सोडियम लाइट। सोडियम लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है इसके लिए। तो इसमें जो हमारे पास है द क्रिस्टल इज देन एनक्लोज इन ए ये ट्यूब ब्लैक एंड ट्यूब में इसको एनक्लोज कर देते हैं पूरे को हम इसमें इनसाइड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ऑर्डिनरी रे, फॉर ऑर्डिनरी रे क्योंकि ये जो हमारे पास एक रे है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम इसमें पास ऑन करेंगे वो टू रेज में रिफ्रैक्ट हो जाएगी। वन इज ऑर्डिनरी रे एंड अनदर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा? 1.658 ये होगा 1.658। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.486। ठीक है। तो ओ रे एंटर्स, जब हमारे पास ओ रे एंटर्स करेगी, ये ओ रे एंटर करेगी तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारे पास म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.658 और कनाडा बालसम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। तो ये डेंसर हो जाएगा मीडियम और ये रेयर मीडियम हो जाएगा। तो इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ये कम है। तो ये जाएगी ओ रे डेंसर से रेयर में और इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। तो ये इसका जो क्योंकि लेंथ इसकी 3 टाइम्स टू द वाइड है, चौड़ाई से 3 टाइम्स लंबाई है इसकी, तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये ओ रे जो है हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और इससे प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी और प्रिज्म के बाहर हमारे पास क्या है? ट्यूब है, ब्लैकेंड है, तो उसमें ये अब्जॉर्व हो जाती है। तो ओ रे एंटर्स द डेंसर टू रेडियम रेयर मीडियम, ओ रे रिफ्लेक्टेड एट द कैलेसाइट बालसम सरफेस एंड इज अब्जॉर्ब बाय द ट्यूब, ट्यूब्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, जिसके वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है। नाउ ई रे, जो हमारे पास ई रे है इसके वाइब्रेशन जो है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है हमारे पास। ई रे गोज टू द रेयर टू डेंसर, हमारे पास ये इसका है 1.55 और इसका हमारे पास है ये 1.486 है, ठीक है ना। तो ये हमारे ई रे इज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जाती है ये। तो ये हमारे पास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द निकोल। ये हमारे पास जो है ट्रांसमिटेड हो जाएगी फ्रॉम द निकोल, निकोल से ट्रांसमिट हो जाती है और ये ई रे ट्रांसमिटेड हो जाती है, ऐसे आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो है ई रे का 1.486 है और ये 1.5 है। तो 1.5 रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, तो रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है ना। तो
एंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द निकोल इज प्लेन पोलराइज, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी जिसके वाइब्रेशन पैरेलल होंगे, वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन होंगे। इट कैन बी यूज, ये निकोल प्रिज्म है, ये हमारे पास दोनों तरह से यूज होता है, पोलराइजर एंड एनालाइजर। जैसे लैब में हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट भी है इसका, तो इसमें हम पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर दोनों की तरह यूज करते हैं हम इसको। नाउ कम्स टू द डाइक्रोज्म, डाइक्रोज्म। सो सम डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग स्ट्रांगली वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टिंग रेज। तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो एक रे को हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन दूसरी रे को बाहर जाने देते हैं, अलाउ द टू द अलाउिंग द अदर टू इमर्ज विद द लिटिल लॉस। द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द क्रिस्टल इज नोन एज डाइक्रिज्म। तो ऐसे हमारे पास क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, डाइक्रिज्म। द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द क्रिस्टल इज नोन एज डाइक्रिज्म। फॉर एग्जाम्पल टॉर्मलिन, टॉर्मलिन एक ऐसा क्रिस्टल है जो एक रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरी रे को पास ऑन कर देगा, तो ओ रे इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और ई रे को ये पास कर देता है। अब कम्स टू द पोलराइड, पोलराइड तो इट इज ए लार्ज साइज पोलराइजिंग फिल्म होती है माउंटेड बिटवीन द टू ग्लास प्लेट्स, ये दो ग्लास प्लेट्स हैं उनके बीच में फिल्म हमारे पास माउंटेड होती है, टू ग्लास प्लेट एंड इज यूज टू ऑब्टेन द प्लेन पोलराइज लाइट। ये हमारे पास यूज किसके आती है, प्लेन पोलराइज लाइट इससे मिल जाती है। फिल्म कंसिस्ट ऑफ ए थिन शीट, इसके बीच बीच में जो फिल्म होगी वो थिन शीट ऑफ द नाइट्रो सेलुलोज होगी पैक्ड विद द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडोसल्फेट क्विनीन विद देयर ऑप्टिक एक्सिस ऑल पैरेलल। ये ऑप्टिक एक्सिस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दीज क्रिस्टल्स आर अब्जॉर्बिंग वन ऑफ द डबली रिफ्लेक्टेड बीम्स, जो ई रे या ओ रे में से एक को एब्जॉर्ब कर लेगी। हेंस व्हेन ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, जब इसमें से अनपोलराइज्ड लाइट पास ऑन करेंगे तो हमें एक ही रे मिलेगी, है ना, एक रे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो व्हेन ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू द पोलराइज्ड फिल्म द इमर्जिंग लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, तो एक ही हमें मिलेगी तो रे, तो ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। व्हेन द पोलराइड टू पोलराइड आर पैरेलल टू ईच अदर द लाइट ट्रांसमिटेड, अगर ये से कि इसमें ये टू पैरेलल है सेक्शन इसके प्रिंसिपल सेक्शन, तो ये इससे हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। व्हेन टू पोलराइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर द लाइट ट्रांसमिटेड बट व्हेन 90 डिग्री, ये देखिए आप 90 डिग्री पर है ये पैरेलल, इसके इससे प्रिंसिपल सेक्शन जो है 90 डिग्री पर है, तो नो लाइट, यहाँ पर हमें कोई लाइट हमें नहीं मिलेगी। तो यूज कहाँ पर होता है, सनग्लासेस में यूज होता है इसका, हेडलाइट्स एंड विंड स्क्रीन ऑफ द कार्स में होता है, और टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन एरोप्लेन्स और क्या नाम जो है ट्रेन्स में भी यूज हो सकता है। अब नाउ कम्स टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल्स हमारे पास, जैसे यूनिएक्सल क्रिस्टल जो हमने बताए थे, दो तरह के क्रिस्टल बताए थे, यूनिएक्सल एंड बायएक्सल। तो यूनिएक्सल क्रिस्टल में हमारे पास दो तरह के क्रिस्टल हो सकते हैं, नेगेटिव क्रिस्टल एंड द पॉजिटिव क्रिस्टल्स। इन नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होता है, द सच एज कैलेसाइड, कैलेसाइड इसका एग्जाम्पल है। तो कैलेसाइड में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेव के लिए वो लेस कम होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी वेव के लिए। इन पॉजिटिव क्रिस्टल है ना, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्स क्रिस्टल है, इसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वो बड़ा होता है कंपेरिजन टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डिनरी वेव। नाउ हाइजेंस ने डबल रिफ्लेक्शन के केस में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जिसको हम कहते हैं हाइजेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्लेक्शन, हाइजेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, इसमें हमारे पास, तो मैंने लाइट वेव स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल कौन सा होता है, कैलिसाइड भी हो सकता है क्वार्ट्ज भी हो सकता है। ईच पॉइंट ऑन द सरफेस बिकम्स द ओरिजिन ऑफ द टू सेकेंडरी वेवलेट्स ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये हमारे पास ईच पॉइंट ऑन द सरफेस किसका बिकम हो जाता है, उससे निकलेंगे हमारे ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी दो वेव हमारे पास निकलेंगी, ये हाइजेंस प्रिंसिपल बताता है। द वेव फ्रंट ऑफ द ऑर्डिनरी वेवलेट इज स्फेरिकल, और ये हमारे पास जैसे ऑप्टिक एक्सिस है तो इसका ऑप्टिक एक्सिस ये ऑर्डिनरी वेव का जो है वेवलेट को क्या होगा, स्फेरिकल होगा, इसमें भी स्फेरिकल है और इसमें भी स्फेरिकल है। द वेव फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नरी वेवलेट इज इलेप्साइड ऑफ रिवोल्यूशन विद ऑप्टिक एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, इस एक्सिस के अगेंस्ट में रिवोल्व करेगा और ये जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वेवलेट होगा, वेव फ्रंट होगा हमारे पास। ऐसे ही इसमें ये वेव फ्रंट इलेप्साइड है और ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग ये रिवॉल्व करेगा, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगी, ऑप्टिक एक्सिस हो जाएगी। तो इन द नेगेटिव क्रिस्टल
द स्फीयर लाइज, नेगेटिव क्रिस्टल जैसे कैलेसाइड है, स्फीयर जो है वो लाई करेगा इनसाइड द इलिप्साइड के, और इसमें पॉजिटिव क्रिस्टल में, ये पॉजिटिव क्रिस्टल है तो इसमें इलिप्साइड जो है लाई करेगा इनसाइड द ऑर्डिनरी वेव में. तो इन वाइल इन द पॉजिटिव क्रिस्टल द इलिप्साइड लाइज इनसाइड द स्फीयर करेगा. तो ये दीज आर फोर पॉइंट्स विच आर गिवन बाय द हाइजेंस टू एक्सप्लेन द डबल रिफ्लेक्शन. नाउ कम्स टू द ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस. सर्फिकेशन कौन सा एग्जाम्पल है, दैट इज द नॉन इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस. इन केस ऑफ, इन केस हमारे पास है ये नॉर्मल इंसिडेंस का, तो हमारे पास ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द एक्स वाई ऑफ द क्रिस्टल. ये हमारे पास ये वेव फ्रंट नॉर्मली जो यानी कि 90 डिग्री पर, ये जो 90 डिग्री पर वेव फ्रंट फॉल करता है ऑन द क्रिस्टल, तो ये जब फॉल करता है तो ये हमारे पास जो वेव है वो ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वक्त हो जाता है रे में. तो ऑर्डिनरी जो है वो स्फेरिकल होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलिप्साइड, जैसे इसमें दिखाया गया है ये ऑर्डिनरी है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. इसमें ऑप्टिक एक्सिस क्या है, पैरेलल टू द सर्फेसिस है. तो इससे हमारे पास ए ओ या ए ई, बी ओ और बी, ये जो हमारे पास बी ओ ए हो क्या है ऑर्डिनरी है हमारे पास, और ए ई दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव है ना. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव के जो हैं वाइब्रेशंस वो पैरेलल होंगे और ऑर्डिनरी वेव के जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया. ये पैरेलल भी है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर दोनों इसमें ये आते हैं, ये आते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस. थैंक यू.